हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, दैट इज पार्ट नंबर 3। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इधर आपको लिंक इसका मिल जाएगा पार्ट 3 का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑथर दैट विन इनॉग्रल कैरल शील प्राइज फॉर द फिक्शन फॉर वेन वी वर सिस्टर्स नोबल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस बुक के जो ऑथर हैं जिनका नाम है फातिमा असगर, उन्हें ये प्राइज दिया गया है जिसका नाम है कैरल शील प्राइज। अब जो ये प्राइज का नाम है, ये एक अमेरिकन कैनेडियन थे जिनके नाम पे इस प्राइज का नाम रखा गया है, जिनका पूरा नाम क्या है, कैरोल कैरोल एंड शील्ड। ठीक है, इनके नाम पे इस प्राइज का नाम रखा गया है। और जो फातिमा असगर है ये साउथ एशियन अमेरिकन ऑथर है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिंग लिरेन हैज बिकेम द डैश वर्ल्ड चेस चैंपियन एंड चाइनाज फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023, जो आपकी हुई थी अस्थाना कजाकिस्तान में। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं और ये बिलोंग करते हैं चाइना से। तो दो क्वेश्चन तो आपके यही कवर हो गए, एक तो कौन से नंबर के हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तीसरा यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, जो 16th वर्ल्ड चेस चैंपियन है वो कौन है, इनका नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, क्या नाम है इनका, मैग्नस कार्लसन, जो 16th नंबर के थे। अगर हम 15th की बात करें तो इनका नाम क्या था, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, जो इंडिया के आपके प्लेयर थे। इसके अलावा एट प्रेजेंट विमेन चेस चैंपियन कौन है, इनका नाम क्या है, जू वेंजून, जो आपके चाइना की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो इंटरनेशनल लेपर्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3rd of May को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा आपको नोट करना है कि जो स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट थी जो 2020 में रिलीज की गई थी, उसके अकॉर्डिंग 2014 से 2018 के बीच में यहाँ पे 62% का जो है जो पॉपुलेशन है लेपर्ड की, उसमें इंक्रीज देखा गया था इन इंडिया। एंड सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो लेपर्ड थे वो आपके पाए गए थे मध्य प्रदेश में, विच इज फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। सो रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी, इन्होंने लॉन्च किया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे टोटल 130 पैरामीटर्स जो हैं वो रखे गए हैं, और यहाँ पे जैसे आई टेस्ट या डेंटल टेस्ट, ये सब जो है ये सब चेकअप इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 25,000 का, ठीक है, 25,000 तक का जो है इंश्योरेंस भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट जो है 3 स्कूल में भी जो है चलाया है। कौन कौन से स्कूल हैं ये देख लेते हैं, अमीनाबाद इंटर कॉलेज, कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड कश्मीरी मोहल्ला मोनेटेसरी स्कूल। इन तीनों स्कूल्स में यहाँ पे जो है पायलट प्रोजेक्ट इसका अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन डैश। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर लॉन्च किया गया है आपका, इनॉग्रेट किया गया है इन दी चंडीगढ़। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो नॉर्मल विजिटर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्लाइट सिम्युलेटर। इसके अलावा यहाँ पे जो हेरिटेज सेंटर बनाया गया है, इसमें आपके 5 विंटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑथर द हु ऑथर द बुक टाइटल सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो ऑन 50th बर्थडे ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जी का जो 50th बर्थडे था, जो आपका मनाया गया था 24th of April को, ठीक है, उस दिन यहाँ पे ये बुक जो है रिलीज की गई थी बाय दी बोरिया मजुमदार। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज विस्तारा, जो आपका ज्वाइंट वेंचर है टाटा सन का एंड सिंगापुर एयरलाइन का। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइन का ये आपका जो है ज्वाइंट वेंचर है। अब यहाँ पे जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो कितना परसेंट यूज किया गया है, तो 17%, और बाकी आपका रेस्ट जो 83% है ये आपका यूज किया गया था कन्वेंशनल जेट फ्यूल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, बोला है दैट इज कि इस कॉम्बिनेशन से, इस मिक्सचर से जो है 10,000 pounds ऑफ CO2 एमिशन जो है वो रिड्यूस किया गया है। तो आने वाले टाइम में हम इसी फ्यूल को यूज करके CO2 एमिशन कम कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है वो हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा सकता है, जो ये फ्लाइट थी वो आपकी कहाँ से कहाँ तक की फ्लाइट थी, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका, ठीक है,
वहां से ये फ्लाइट ली गई थी एंड ये लैंड आपकी हुई थी कहाँ पे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपका मुंबई में स्थित है, वहां पर वहां तक की ये आपकी फ्लाइट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल जॉइंटली होस्ट इनॉग्रल ग्लोबल चेस लीग इन दुबई यूएई विद एफआईडीई। सो यहाँ पे जो आपका टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है एफआईडीए के साथ ताकि 5 to 8 years जो है ये जॉइंटली जो है ग्लोबल चेस लीग ऑर्गेनाइज कर पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो ये आपकी लीग है ग्लोबल चेस लीग, ये कब से कब तक जो है वो रहेगी, तो 21 जून से ये आपकी चलेगी टिल 2nd of July। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कब से शुरू होगी, 21 जून से और 2nd of July तक ये लीग आपकी चलेगी। किसके साथ ये है अग्रीमेंट साइन किया गया है एफआईडीई ने, तो टेक महिंद्रा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च अ कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू फ्री फीचर फॉर द टोकनाइज कार्ड्स इन इंडिया टू मेक द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस इजियर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है आपका वीजा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली अब यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे उनको अपना सीवीवी नंबर जो है वो बार बार नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे एक ही वेबसाइट से, तो वहां पे आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जो है वो बार बार ना डालनी पड़े। जैसे 6-digit डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर हम उसमें डालते हैं, फिर आपका एक्सपायरी डेट वगैरह ये डिटेल्स डालते हैं, तो ये भी आपको वहां पे डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु ऑनर्ड योगी आदित्यनाथ विद द 13th एडिशन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश। सो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड प्रेजेंट किया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 2017 से 2022 तक का इनका टेन्योर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने ये अवार्ड रिसीव नहीं किया था, इनके बिहाफ पे लालजी प्रसाद जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने इस अवार्ड को जो है योगी आदित्यनाथ जी के बिहाफ पे जो है रिसीव किया था। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे जो आपके प्रेम चोपड़ा जी हैं, उदित नारायण जी हैं एंड राजपाल यादव जी हैं, इनको भी ये अवार्ड दिया गया था। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1992 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी बाय द डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द किंग चार्ल्स थर्ड वॉज क्राउन्ड एज अ किंग एंड हिज वाइफ कैमिला एज क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड द अदर कॉमनवेल्थ रीलिम्स। द कैमिला बिकेम द डैश क्वीन कंसॉर्ट टू बी क्राउन एट वेस्टमिंस्टर एबे। सो ये कौन से नंबर की जो है वो क्वीन बनी है यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 29। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द आईएनएस दैट वॉज रिसेंटली डीकमिशन बाय द इंडियन नेवी इन अ कोची केरला आफ्टर दी 36 years ऑफ सर्विस। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस INS का नाम है दैट इज INS मगर, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो INS मगर है इसे लॉन्च कब किया गया था, 1984 में इसे लॉन्च किया गया था, 16 नवंबर 1984 को, और इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में बाय 1987। ठीक है, और कहाँ से किया गया था, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से, जो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, एंड इसे कमीशन किसके थ्रू किया गया था, दैट इज लेट एडमिरल राधाकृष्णन हरिराम तहलियानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियस लॉयटरिंग म्यूनिशन विच आर डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी। सो बेसिकली जो आपके ये लॉयटरिंग म्यूनिशन है इसे डेवलप किसने किया है, टाटा एडवांस सिस्टम ने, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये आपके म्यूनिशंस है बेसिकली इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका टाटा ALS 50, और यहाँ पे इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज है वो आपकी है 50 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन सेकेंड एडिशन ऑफ मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 हेल्ड इन फ्लोरिडा USA। सो इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वेस्टपर्न ने, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी रिलीज अ हिंदी वर्जन ऑफ अ बुक ऑन साइबर क्राइम टाइटल्ड साइबर एनकाउंटर, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द बुक इज रिटन बाय। सो इस बुक को किसने लिखा है, अशोक कुमार ने, जो आपके उत्तराखंड के DGP हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड OP मनुचा ने, जो फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुके हैं इन DRDO, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर संदीप मरवा द चांसलर ऑफ AAFT यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ प्रेजेंटेड द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक 8 years ऑफ मोदी सरकार अ कंप्लीशन ऑफ अचीवमेंट्स टू हुम। सो इन्होंने रिसेंटली इस बुक का फर्स्ट कॉपी जो है वो प्रेजेंट किया है, वो दिया है रामनाथ कोविंद जी को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो ये बुक है ये किसने पब्लिश की है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, दैट इज ICMEI ने
इसे जो है रिलीज किया है। और डॉक्टर संदीप मारवा जो है प्रेसिडेंट भी है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, दैट इज ICMEI के ये प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 8 मई को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। इसके अलावा आपको नोट करना है दैट इज जो पहला इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 1948 में, और फिर 1984 में इसे रीनेम कर दिया गया था एज अ वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे। ये चीज याद रखनी है, नाम आपको पूछा जा सकता है कि कब चेंज किया गया था, तो ऐसे याद रखो फर्स्ट वाला कब था 48 में, और जब रीनेम हुआ था 84 में हुआ था। ठीक है, नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन जो इसे ऑब्जर्व करती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटी, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, फ्रांसिस्को रोका। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन 7 मई द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे। सो रिसेंटली इन्होंने जो है 7 मई को अपना 64th रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया था, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस्टैब्लिश कब किया गया था BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, तो 1960 में इसे इस्टैब्लिश किया गया था, और मेन मोटिव क्या था कि जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल पूछे जा सकते हैं BRO के, तो इनका नाम क्या है, राजीव चौधरी, और BRO का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC अपॉइंटेड विनी जोशी एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट का इन्हें जो है चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज मणिपुर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये किसे रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर राजेश कुमार को। इसके अलावा मणिपुर के CM कौन है ये पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल थैलेसमिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। सो इंटरनेशनल थैलेसमिया डे जो होता है बेसिकली ये है क्या, ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारा बॉडी है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये कब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो 8 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम आपकी क्या है, बी अवेयर शेयर केयर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसमिया केयर गैप। ठीक है, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी फॉर स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसे प्रोजेक्ट स्मार्ट भी हम बोल रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। अब यहाँ पे 4 ऐसे स्टेशन है बेसिकली जिनमें यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी, तो कौन कौन से स्टेशन है, सूरत, विरार एंड थाने जो आपके ग्रीन फील्ड स्टेशन है, वेरस साबरमती जो है आपका ब्राउन फील्ड स्टेशन है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमें नोट क्या करना है, जो ये प्रोजेक्ट स्मार्ट है इसका मेन मोटिव क्या है, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्टेशन एरिया डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, बेसिकली जो स्टेशन है इनके आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिकली वहां पे इंप्रूवमेंट की जाएगी ताकि वो इंडिया के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब इसके अलावा हमें नोट करना है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है GICA, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, आकिहिको तानाका। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो टोक्यो जापान में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 8 ईयर्स, ऑन विच डेट द स्कीम वॉज लॉन्च बाय द PM नरेंद्र मोदी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसे लॉन्च किया गया था आपका 9 मई 2015 को, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपकी स्कीम है बेसिकली ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने यहाँ पे एनरोलमेंट डेटा प्रोवाइड किए हैं टिल दी 26 अप्रैल 2023। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये तीनों ही जो स्कीम है आपकी, इन तीनों को ही 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था बाय द PM नरेंद्र मोदी। तो इन तीनों के ही 8 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं जिनका डेटा रिलीज किया गया है। तो 16.2 करोड़ एनरोलमेंट यहाँ पे देखे गए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। ठीक है, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द डेथ जो प्रोवाइड करती है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके लिए 34.2 करोड़ का एनरोलमेंट बताया गया है।
लास्ट आपकी है अटल पेंशन योजना, जो आपका गारंटीड पेंशन स्कीम है, जिसे जिसका एनरोलमेंट कितना है 5.2 करोड़ का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन एमओयू विद द बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस क्लास 70 आर डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने एमओयू साइन किया है बीआरओ के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार लॉन्च द फेज थर्ड ऑफ थैलेसमिया बाल सेवा योजना टू कॉमरेट द वर्ल्ड थैलेसमिया डे, जो आपका 8 मई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था द TBSY इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर विच इज सपोर्टेड बाय डैश एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस इनिशिएटिव को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट कर रही है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सपोर्ट कर रही है किस प्रोग्राम को? थैलेसमिया बाल सेवा योजना को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 मई को और इसकी थीम आपकी है एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। इसके अलावा इस डे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्जर्व करती है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, क्या नाम है इसका? वर्ल्ड एथलेटिक्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी आपकी 17 जुलाई 1912 को, ये चीज में ध्यान में रखनी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम आपका था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसे 2019 में चेंज किया गया था, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है सेबेस्टीन कोए एंड इसका हेडक्वार्टर है आपका मोनाको में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद रुपे टू ऑफर कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड। सो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है रुपे के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज अ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, जयपुर राजस्थान, ठीक है। और इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? संजय अग्रवाल। क्या नाम है इनका? संजय अग्रवाल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू रिलोकेट मॉरिशियस डोमिसाइल फंड टू GIFT, दैट इज गिफ्ट IFSC। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज कोटेक महिंद्रा बैंक, जिसके CEO कौन है? इनका नाम है उदय कोटेक। क्या नाम है इनका? उदय कोटेक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Fitch rating has lowered India's GDP for financial year 2024 growth forecast to -%. So, इन्होंने जो है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 ये कितनी रिड्यूस कर दी है? ये इन्होंने रिड्यूस कर दी है 6% पे, और पहले ये 6.2% इन्होंने प्रिडिक्ट की थी। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें, इन्होंने इसका भी जो है जीडीपी प्रोजेक्शन है 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, वो भी डिक्रीज किया है 6.7% इसे कर दिया है, पहले ये आपका 6.9% हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें फिच रेटिंग की, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी अपॉइंटेड अजय विच टू अ न्यूली क्रिएटेड रोल ऑफ कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर। सो रिसेंटली जो एसेंचर है, एसेंचर ने अपॉइंट किया है MD इंडिया किसे? विजय विच को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो इंडिया मार्केट यूनिट है उसके हेड कौन है? उसके लीड आपके बनाए गए हैं संदीप दत्ता, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साहित्य अकादमी अवार्ड एंड बंगाली ऑथर सर्वेश मजुमदार रिसेंटली पास अवे, ही वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द सेकेंड नॉवल ऑफ द सीरीज कल बेला इन डैश। सो 1984 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।